प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत का दिव्य स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ सहार के साथ सृजन का भी प्रतीक है। यहां उन्होंने जूना सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार के अलावा पार्वती मंदिर का भी लोकार्पण किया, साथ ही सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी का भी लोकार्पण किया। इसी मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी वर्चुअली उपस्थित रहे। मंदिर को कुल 3.5 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने पार्वती मंदिर का शिलान्यास किया। मंदिर को सोमनाथ ट्रस्ट ने ऐतिहासिक मूल्यों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया है। वहीं प्रसाद परियोजना जिसकी लागत 47 करोड़ की है, उसे श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र, प्रदर्शनी स्थल और अन्य निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। उन्होंने नए कार्यों को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और इतिहास के प्रति समझ बढ़ाने का भी जरिया बताया। यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा। यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है, ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभाव ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोणों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। हमारा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 अलग अलग थीम पर टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित कर रहा है। इन सर्किट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी पर्यटन और विकास के अवसर पैदा होंगे। 2014 में
देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट का काम पूरा भी कर लिया गया है। 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा देंगे।